मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। 3 साल की ओसीडी मात्र 2 ही दिन में 90% हुई ठीक, वो भी बिना दवाई। कैसे बिना दवाई 90% ओसीडी ठीक हो गई, ये जानेंगे गंगा जी से। गंगा जी को कंटेमिनेशन ओसीडी थी, क्योंकि अब ये रिकवर हो चुके हैं। तो इनको क्या ओसीडी थी, क्या लक्षण थे, और इनके पतिदेव भी साथ में हैं, इन दोनों से हम जानेंगे इनकी ओसीडी के बारे में। सबसे पहले गंगा जी से। गंगा जी, आपको मुबारक इस बात के लिए कि आप रिकवर हो चुके हैं। तो सबसे पहले व्यूअर को ये बताइए कि आपको कितने सालों से किस प्रकार की ओसीडी थी? मुझे 3 सालों से थी जी। और तो गंदगी के बहम होते थे, और छींटे लगने, गंदगी लगना, कपड़े गिर जाने, उसकी गंदगी लगना, ये सारी चीजें मतलब दिक्कत होती थी जी। तो इस दौरान आपने क्या क्या इलाज लिया? मैंने मेडिसिन ली थी साल भर के लिए, 1 साल के लिए जी। मुझे थोड़ी बहुत बेचैनी और हट कम हो गई थी, बाद में वही दिक्कत चालू हो गई थी जी। अब आप अपने आप को कितना ठीक महसूस कर रही हैं? मैं बहुत ज्यादा मतलब रिलैक्स हो रहा है, मतलब पूरी तरह से तो नहीं है, पर है कि इतना है कि घबराहट बेचैनी बहुत ना के समान हो गई है। अच्छा, आप अगर 100 में से अपने आप को नंबर देना चाहें तो कितने नंबर देना चाहेंगे? 100 में से 80। हाँ, 90, ये ठीक है, 80-90 आपका रिकवर हो गया। तो इसके बाद आपने होमवर्क करना है, आप 100 भी हो जाएंगे, और एक ही दिन में 100 होना भी नहीं है, आराम आराम से होंगे। ये बहुत खुशी की बात है कि इनका 80-90 ठीक हुआ है। कैसे आपका 80-90 ठीक हुआ, ये प्रोसेस आप सभी व्यूअर को बताएं। मैंने टच किया तो बेचैनी घबराहट हुई थी, फिर मैंने थोड़ा बहुत रिलैक्स किया अपने आप को कि ये सारे सभी लोग ऐसे ही करते हैं, मेरे से कि नहीं, क्यों नहीं होता। फिर ये सारा सोच के थोड़ा माइंड में आया, हाँ ये कुछ गंदा नहीं है, सब साफ है जी, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोगों को भी तो ये सब लगना चाहिए, मुझे क्यों लगता है जी। तो मैं ये सब सोचा तो मैं थोड़ी रिलैक्स हो गई कि ये कुछ गंदा है ही नहीं है, मुझे ही क्यों लगता है जी। इसका मतलब कुछ गंदा होता ही नहीं है। बहुत बढ़िया, आपको ये समझ में आ गया। अच्छा, इन 2 दिनों के दौरान ऐसी कौन सी अच्छी बात लगी जो आपको बहुत प्रभावित कर गई? वो ये कि मतलब जो ये मतलब गंदगी का जो है बेकार का बहम है वो ज्यादा अच्छा लगा, कि मैं जल्दी उसे गंदगी के पास जाने लगे, घबराहट बेचैनी कम हो गई जी, कम हो गई। तो आपके साथ आपके पति भी आए हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये 2 दिन में खुद को 80-90% ठीक बता रही हैं, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? तो सर ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने काफी मेहनत की इनके साथ, इनको गंदगी से काफी दिक्कत थी, 8 से 10 बार हाथ धोती थी जी दिन में, कोई चीज नहीं है उसका भी वहम लगता था, कपड़े गंदे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, तो आपकी वजह से 80-90% सही हो पाई। तो मुझे ये उम्मीद है कि 100% भी हो जाएगी घर जाके जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, इसमें आपने बहुत मेहनत की 2 दिन हमारे साथ, आपका व्यवहार भी बहुत अच्छा लगा सर यहाँ के, जो हमें बहुत सपोर्ट किया आपने, जो सर उम्मीद करते हैं 100% जल्दी ही सही हो जाएंगे। ये तो हो गई समझिए, क्योंकि अभी आपने कुछ दिनों तक 80% का आनंद लेना है, 100 तो अपने आप होते ही रहेंगे, तो जितना मिल गया उसमें आपने खो जाना है। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अब आप 80% रिकवर हैं, तो अब आपको क्या लगता है कि आगे आप कैसे रहेंगी, क्या क्या करने वाली हैं? वही चीज जो आपने करवाई है, वो सारी चीजें घर पे जाके वही दोबारा से रिवीजन से करना है सेम। ध्यान नहीं देना गंदगी पे, हो जाए तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, सामना करना गंदगी से, ज्यादा भागना नहीं है जी। तो देखो, भारत देश के अंदर जनसंख्या भी खरबों में है, अरबों में जो भी है उसमें करोड़ों लोग ओसीडी से भी पीड़ित हैं, तो आप उन लाखों करोड़ों को क्या मैसेज देना चाहोगी जो आज भी इलाज नहीं ले रहे हैं या दवाइयों के भरोसे जी रहे हैं, उनके लिए आपका मैसेज? मेरा ये कि मतलब वो दवाई न ले, और ऐसे ही मतलब काउंसलिंग वगैरह से ठीक हो सकते हैं, जैसे मैं हुई जी। मतलब दवाई ज्यादा वो नहीं, मायने नहीं रखती, दवाई लेना है जी, दवाई लेने से कुछ नहीं होता, मैं काउंसलिंग वगैरह लें और यह ठीक हो जाएंगे, जो किसी को परेशानी है, ये दिक्कत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा,
कि जैसे आपकी पत्नी ठीक हुई है तो ऐसे बहुत से हजारों लाखों इंसान हैं जिनकी पत्नियां बीमार हैं, तो आप उन पतियों को या उनकी प्यारी पत्नियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं तो उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आदमी को ये चीज समझनी चाहिए कि ये एक मानसिक बीमारी है, ओसीडी है, वो अंधविश्वास में ना जिए जी। कभी किसी साधु के पास घंटा बजवा ले आए, कभी किसी को दिखाया कि पीपल के नीचे नहीं जाना, कि वहां नहीं जाना, इस अंधविश्वास के छोड़ के या तो किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ या काउंसलर के साथ जाके उनका सही रूप से इलाज कराएं, जिससे कि वो सही हो और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी आराम से जिंदगी बिता सकें। बहुत बड़ी से मेरा यही अनुरोध है कि वो इस चीज को समझें, पहले तो वो अपनी पत्नी की दिक्कत को समझने की कोशिश करें और जल्दी से जल्दी इलाज कराएं, जिससे कि वो पूर्ण रूप से अपना सही हो और तो अपने फैमिली के साथ अच्छी तरह से एंजॉय कर सके। जी बहुत बढ़िया, मेरा तो यही मानना है। नहीं आप बहुत सहयोगी हैं, सबसे ज्यादा ठीक करने में आपका ही योगदान रहा है, क्योंकि देखो काउंसलर अपना काम करता है नो डाउट, लेकिन जब उसके पति का उसके परिवार का सहयोग होता है ना, रिकवरी तभी संभव है, वरना औरत अकेली पड़ जाती है। औरत दुनिया से लड़ सकती है अगर उसका पति साथ है, तो आज ये रिकवर हो पाई है तो इसमें सबसे ज्यादा योगदान आपका ही है। मैं तो सर काफी हद तक मानता हूँ, इतनी सारी चीजें कराने पे आज इनको घबराहट जितनी घर पे होती है ना उसके मुताबिक आधी भी नहीं हुई जी। घर पे 100% होती है तो इन्हें 20-30% की घबराहट होने के बाद ही रिकवर हो गई जी। वहीं नहीं, वहां तो इनको इतनी इंजेक्टिव होती है कि बस बहुत तेजी से घबराहट हो रही है, ये हो रहा है, बहुत परेशान हूँ, तो इतना सब कुछ कर पाई, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी इनसे ये इन सारी चीजों को छू पाएंगी। अच्छा, पर वो बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने काफी हद तक अपने को सही करने के लिए सारा कुछ किया, करके दिखाया और इतनी दिक्कत भी नहीं हुई जी। नहीं, मुझे तो ये उम्मीद थी कि अगर सर ने कुछ शुभ आया तो शायद इनको एम्बुलेंस में डाल के ले जाना ना पड़े, तो वो कंडीशन कुछ नहीं हुई। हाँ। हमने सारा कुछ आराम से करके दिखा दिया, तो बहुत जल्दी रिकवर हो गई है 2 दिन के अंदर। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आपके सहयोग और आपके स्नेह और आपकी दूरदर्शिता ने इनको बहुत संभाला, बहुत सहयोग किया, क्योंकि देखो असली काउंसलर तो उसका हस्बैंड भी ही होता है, जैसा वो समझाता है पत्नी जरूर उसको फॉलो करती है, तो आपने अपनी पत्नी का साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही गुजारिश करूंगा कि हर एक पत्नी को आप जैसा सहयोगी पति मिले तो वो ठीक होकर ही दिखाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। अंत में आप दोनों कुछ कहना चाहें? अंत में सर हम ये कहना चाहते हैं, हम यहाँ पे आए हैं, हमने काउंसलिंग ली, हमको यहाँ पे पूरा परिवार की तरह सहयोग मिला, हमें ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि हम परिवार से आके यहाँ किसी को दिखाने के लिए आए, हमें ऐसा लगा जैसे हम अपने घर में ही रह के अपना इलाज करा रहे हैं, हमको कुछ अलग लगा ही नहीं, हमें ऐसा लगा हम अपने परिवार में रह के इलाज करवाया और हमें कुछ अलग ही नहीं महसूस हुआ कि हम कहीं अलग दिखाने आए या हमको ट्रीटमेंट लेने आए, काफी बिल्कुल परिवार की तरह सहयोग मिला और आराम से सर 2 दिन का पता ही नहीं चला गया, कम निकल गए तो बहुत अच्छा रहा आपसे। गर्मी तो खूब लगी। नहीं सर गर्मी का तो कुछ नहीं है, गर्मी तो मौसम है और वो तो आदमी को सब कुछ सहन करने की आदत होनी चाहिए, ये तो है, तो गर्मी वगैरह तो चलती है, नहीं इतना तो है, जब इलाज करवाने आते हैं तो लगा ही नहीं, ऐसा लगा घर की तरह आराम से घर में रहे, कोई दिक्कत ही नहीं हुई कैसी भी। नहीं जरूर, सब लोग काफी अच्छे हैं, सब मिलते जुलते हैं एक दूसरे का, हमें ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि हम 2 दिन कहीं आके बोरियत हो रही है साहब, क्या हमें दिक्कत हो रही है, कोई कुछ नहीं। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी, यही बेस्ट विशेस हमारे लिए आगे का प्रेरणा स्रोत का मार्गदर्शन करेंगी, तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे आप दोनों खुश हैं ऐसे ही हर दंपत्ति खुश रहे, तभी भारत आगे बढ़ेगा। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज।